आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। मैं आप लोगों को इस चैनल पर अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी पढ़ाऊंगा। आज हम लोग भाषा के विषय में पढ़ेंगे। भाषा किसे कहते हैं? उत्तर, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार एवं भाव को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार एवं भाव को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, भाषा तीन प्रकार के होते हैं। क, मौखिक भाषा। ख, लिखित भाषा। ग, सांकेतिक भाषा। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा तीन प्रकार के होते हैं। क, मौखिक भाषा। ख, लिखित भाषा। ग, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जिसे हम अपनी वाणी से बोलकर अपने मन के भाव एवं विचार दूसरों के सामने, प्रकट करते हैं। मौखिक भाषा जिसे हम अपनी वाणी से बोलकर अपने मन के भाव एवं विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, इसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा, लिखित भाषा जिसे हम लिखकर अपने मन को मन के विचार एवं भाव को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं।
जिसे हम लिखकर अपने मन के विचार एवं भाव को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। ग सांकेतिक भाषा, जिसे हम इशारा या संकेतों के द्वारा अपने मन के विचार एवं भाव को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अर्थात मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, ये तीनों ही माध्यम है अपने मन के विचार एवं भाव को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए, इसे ही भाषा कहते हैं। धन्यवाद। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का शैली पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। धन्यवाद।